अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के। जब थर्ड ईयर से आपकी क्लिनिकल रोटेशंस लगती है डिफरेंट वार्ड्स के अंदर, तो जो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए वो हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और थर्ड ईयर में आपको मास्टर कर लेना है कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है। हिस्ट्री आपको 80% डायग्नोसिस तक पहुंचा सकती है पेशेंट के। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, अगर आपने उसकी प्रॉपर अच्छे से हिस्ट्री ली है, तो आप 80% आप उसको डायग्नोस कर सकते हो कि उसको क्या बीमारी है, और उसके बाद 20% आप उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करवा कर उसको डायग्नोस कर सकते हो। तो आप देख सकती हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ हिस्ट्री से आप 80% पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉपर और अच्छे से हम हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं पेशेंट की। लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री टेकिंग, आर्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग। कि हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट होती है जो कि आप रेपिटेटिव, आप जब भी वार्ड में जाएँ आप हिस्ट्री लें पेशेंट्स की, बार बार हिस्ट्री लें, सिर्फ हिस्ट्री लें थर्ड ईयर में, आप उसको मास्टर कर लें। तो आप जब बार बार हिस्ट्री लेंगे तो आप आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग में मास्टर बन जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग पर आने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए। आप जब वार्ड में जा रहे हैं, आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो आपने अपना एप्रन वाइट कोट पहना होना चाहिए, स्टेथोस्कोप आपके गले में होना चाहिए। इससे ये क्या होता है कि आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, पेशेंट आपको डॉक्टर ही समझे, आपको स्टूडेंट समझेगा या कोई और समझेगा, आप ऐसे ही रैंडमली क्लास में चले जाओगे बिना एप्रन पहने या फिर स्टेथोस्कोप के, तो वो आपको प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री नहीं देगा। तो आपने प्रॉपरली ड्रेस होना है। उसके अलावा एग्जाम्स में तो अगर आप ड्रेस नहीं होंगे प्रॉपरली, तो उसमें आपके नंबर भी कट सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, जब भी आपने वार्ड में जाना है पेशेंट के बेड के पास, तो पेशेंट के राइट साइड से आपने पेशेंट को अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से या सामने से अप्रोच नहीं करना। ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो अगर आप राइट या लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपके एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो सेकंड चीज़ आपने ये जहन में रखनी है हिस्ट्री टेकिंग से पहले। उसके बाद चीज़ आती है डेमिन्योर ऑफ द पेशेंट। डेमिन्योर ऑफ द पेशेंट का मतलब क्या है कि अभी हिस्ट्री आपने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही जब आप जाओगे पेशेंट के पास, आप पेशेंट को देखोगे, तो आप ऑब्जर्व करो पेशेंट को फ्रॉम द हेड टू टो। ठीक है, कुछ पेशेंट्स आपको नज़र आएंगे जिनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होगी। ठीक है, वो आपसे वो सांस ले रहे होंगे, बड़े बड़े सांस ले रहे होंगे, तो आप पहले से उसको देख सकते हो कि शायद इसको लंग्स की या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसको वीजिंग की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को फ्रॉम द हेड टू टो बिफोर द हिस्ट्री टेकिंग, तो आपको हिस्ट्री में उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग से पहले तीन चीज़ें आपने देखनी है। क्या क्या? आपको ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए, ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड, और उसके बाद डेमिन्योर ऑफ द पेशेंट, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि उसमें क्या चेंजेस आ, पेशेंट्स किस तरीके की चेंजेस हैं, कोई उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसको। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, कुछ भी नहीं पूछना आपने। उसके बाद आपने हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड से। ठीक है, अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम राइट साइड। उसके बाद सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लस द टेक कंसेंट। अब आप गए पेशेंट के पास, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है पेशेंट को। ठीक है, आप कह सकते हो आई एम डॉक्टर, फॉर सपोज आई एम डॉक्टर उसामा, या फिर डॉक्टर एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड आई एम द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट इज़ एग्जामाइनिंग यू। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ डॉक्टर्स की जो कि आपका मुआयना कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ जो कि आपसे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज़ टेक द कंसेंट। आप पेशेंट को बताएं कि मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप उसको उसका पहले पेशेंट से उसका आप कंसेंट लें कि मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है, तो आप उस तरीके से सवाल पूछ लें। तो एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे ही करना है कंसेंट, लेकिन अगर आप रैंडमली जाते हैं कभी भी वार्ड में डेली जो पोस्टिंग होती है आपकी, तो काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे इस तरीके से पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं बार बार उनसे पूछ रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली आपको मना कर देंगे। आपने सिंपली जाना है, आपने जाकर पूछना है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देते हैं। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंसेंट लेंगे तो काफ़ी पेशेंट्स आपको मना कर देंगे, क्योंकि बार बार उनके पास स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो इस चक्कर में आपको मना भी कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको पेशेंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है। कंसेंट ले लिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लिया आपने, उसके बाद आपको पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पेशेंट की आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, पेशेंट इंट्रोडक्शन, या फिर बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है।
तो पेशेंट्स इंट्रोडक्शन, फॉर सपोज बायोडाटा या इंट्रोडक्शन हम लेते हैं पेशेंट का, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है, लेट्स डिस्कस। यहाँ से प्रॉपर हिस्ट्री शुरू हो रही है पेशेंट की, और हिस्ट्री टेकिंग क्या है, पेशेंट का एक इंटरव्यू है उसकी बीमारी के मुतल्लिक, ठीक है, इंटरव्यू ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़, ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके बाद अब पेशेंट्स इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है, नंबर वन इज़ द नेम ऑफ द पेशेंट और फादर या फिर हस्बैंड नेम, ठीक है, नेम और फादर नेम, अगर फीमेल मैरिड है तो उससे फिर आपको उसको हस्बैंड नेम भी पूछेंगे। अब नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार वार्ड के अंदर एक ही नाम के दो या तीन पेशेंट्स होते हैं, तो जब तो वो मिक्सअप ना हो जाएं हिस्ट्री टेकिंग के अंदर, तो इसलिए ऑलवेज़ मैंशन द फादर या फिर हस्बैंड नेम, अगर फीमेल मैरिड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है मैंशन करना। सेकेंड चीज़ आपको पूछनी है एज। अब एज हिस्ट्री टेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है, फॉर सपोज मैं आपको बोलूँ कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसकी उसको रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है और उसकी एज है 60 ईयर, तो आप सोच सकते हो डायग्नोसिस में कि इसको कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, रेक्टम का। लेकिन अगर कोई वही पेशेंट आता है 10 साल का कोई बच्चा है, उसको रेक्टल से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कार्सिनोमा का नहीं सोचोगे, ठीक है। तो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ डिजीज़ एज से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जेंडर है, तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जेंडर आप पता लग जाएगा आपको देखते ही पेशेंट को, जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है। तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि फीमेल में होती हैं, कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि मेल्स में प्रीडिस्पोज होते हैं, ठीक है, तो इस डिजीज़ का भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्शल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर मार्शल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो ये भी आपने पूछना है। उसके बाद रिलीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, इन केसेस में कुछ मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, तो उनकी आपको पता है कि उनकी लिविंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप फॉर सपोज करें हिंदूज़ हैं, तो उनका डाइट चेंज होती है, वो नॉर्मली जो ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो उनमें फिर आपको एनीमिया मिल सकता है, तो डिफरेंट बीमारियां आपको रिलीजन वाइज भी मिल सकती हैं कंडीशन में, ठीक है, तो आपको रिलीजन भी पूछना है। उसके बाद रेजिडेंस भी आपको पूछना है उसका, सिंपल कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो आपको डिफरेंट वो इलाका बता सकता है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो उस इलाके की वजह इलाका देख के आप बता सकते हैं कि उस इलाके की कंडीशन क्या है, सैनिटरी की कंडीशंस क्या होती हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन तो नहीं है ज़्यादा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, पेशेंट आपका करता क्या है, ठीक है, काफ़ी ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि डिजीज़ करवा सकते हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको पूछना है आप क्या करते हैं, आपने कोई डिटेल नहीं लेनी ऑक्यूपेशन की, सिंपली आस्क के पेशेंट कि आप करते क्या है काम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, आप यहाँ पर एडमिट कब हुए हैं हॉस्पिटल में, आपको वो डेट मेंशन करनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद मोड ऑफ द एडमिशन, ठीक है, वार्ड के अंदर आप एडमिट हुए हैं, तो मोड ऑफ एडमिशन क्या है, क्या आप ER इमरजेंसी से आए हैं या OPD से आपको रेफ़र करके यहाँ पे वार्ड में एडमिट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन का आपको पता लग जाएगा इससे। अगर कोई ER से इमरजेंसी से आकर एडमिट हुआ है, इसका मतलब वो क्रिटिकल था स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पर एडमिट हुआ है, तो OPD में यानी नॉर्मली एडमिट किया गया है, ठीक है, तो आपको पेशेंट की कंडीशन का पता लग जाएगा। उसके बाद कोमॉर्बिड सिंपली क्या होता है कि ऐसी पेशेंट आया है किसी बीमारी से, लेकिन पहले ही पेशेंट को कोई बीमारियां मौजूद होती हैं जिसका इलाज उसका चल रहा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कोमॉर्बिड्स। अब इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली आपको कोमॉर्बिडी मिल जाएगी, उसमें आपको अस्थमा, ठीक है, जो पेशेंट के अंदर ज़्यादातर मौजूद मिलेगा आपको अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है, शुगर आपको मिल जाएगी, या फिर हाइपरटेंशन, ठीक है, तो पहले से पेशेंट को जो बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा होता है पहले से काफ़ी सालों से मौजूद हैं, तो अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, तो इन्हें हम मेंशन करते हैं कोमॉर्बिड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारा पेशेंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पे, यहाँ पर आएगा प्रेजेंटिंग कंप्लेन, या फिर इसे हम चीफ कंप्लेन भी कहते हैं, PC, ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन या फिर चीफ कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग या चीफ कंप्लेन सिंपली क्या चीज़ है कि प्रॉब्लम विच ब्रॉट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, पेशेंट का वो मसला जिसकी वजह से हॉस्पिटल आया है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन सिंपली क्या है कि फॉर सपोज अगर पेशेंट आता है, उसको बहुत सारी बीमारियां पहले ही हैं, ठीक है, वो आप पेशेंट आपको बहुत सारी बीमारियां बता रहे होते हैं, आपने ये पूछना है कि आप यहाँ पर किस मसले से आए हैं, ठीक है, वो कहेगा बुखार से आए हो, तो सिंपल प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपकी फ़ीवर होगी, ठीक है, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो कंप्लेन होगी जिसकी वजह से मजबूर होकर पेशेंट हॉस्पिटल तक आया है, चाहे उसको पहले ही कोई नी के अंदर पेन हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो बुखार की वजह से आया है एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल के अंदर,
तो वो हमारी फीवर हमारा प्रेजेंटिंग कंपेन होगा, नी पेन हमारा प्रेजेंटिंग कंपेन नहीं होगा। तो सिंपल आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ प्रेजेंटिंग कंपेन, एक अच्छे से प्रेजेंटिंग कंपेन आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अ गुड प्रेजेंटिंग कंपेन शुड हैव 6 इंग्रेडिएंट्स, 6 चीज़ें जब एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन में होंगी तो वो एक बेस्ट और अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी। वो कौन कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1, शुड बी द प्रॉब्लम डेट ब्रॉट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, वो वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आया, प्रेजेंटिंग कंप्लेन वही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया फीवर की वजह से आया तो फीवर प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, सिंपल। उसके बाद नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपने ऐड नहीं करनी, जो पेशेंट आपको बता रहा है आपने वही लिखना है। अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि मेरा सांस फूलता है, आपने लिखना है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपने ये नहीं लिखना कि डिस्पनिया, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपने कभी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो पेशेंट की लैंग्वेज में आपने लिखनी है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है शुड बी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, प्रेजेंटिंग कंप्लेन जब भी आप लिखोगे प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी जब आप स्टेटमेंट देते हैं वो ऑब्जेक्टिव उस सूरत में होती है कि उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है उसकी कोई मीनिंग समझ नहीं आ रही होती। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई पेशेंट आपके आकर आपको बोलता है कि मुझे इनडाइजेशन हो रही है, बदहजमी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या लिखोगे? अगर मैं पढ़ता हूँ कहीं पे इनडाइजेशन है तो मैं उससे क्या लूँ? क्या इसको दर्द हो रहा है कहीं पे? क्या इसे डायरिया हो रहा है या इसे कॉन्स्टिपेशन? तो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं लग रहा क्या मसला है इसके साथ। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे पेन है, मुझे डायरिया है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन। उसके बाद पेशेंट्स ओन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट बता रहा है ना वही होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन में। आपने एक और चीज़ होती है, जब आपने कहा पेशेंट को आप किस मसले से आए, वो जो बता रहा है आपको बीच में उसको इंटरप्ट भी नहीं करना। जो पेशेंट बता रहा है आपने वो सुनना है और उन चीज़ों को नोट डाउन करना है, और पेशेंट की ओन लैंग्वेज में होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगर पेशेंट ने फीवर का तो फीवर है, ठीक है, आपको अपने वर्ड्स उसमें ऐड नहीं करने, ठीक है। उसके बाद इफ़ मोर देन वन प्रेजेंटिंग कंप्लेन पीसी देन राइट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स है, फॉर सपोज एक पेशेंट आया उसको फीवर है और उसको वॉमिटिंग भी है, ठीक है, दो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मसला, जो बीमारी उसको पहले हुई है उसे पहले मेंशन करना है, और जो बाद में हुई है उसे बाद में मेंशन करना है। फॉर सपोज फीवर उसको है 15 दिन से, ठीक है, और वॉमिटिंग है उसको 7 दिन से, 7 डेज। तो पहले लाइन में आपने लिखना है फीवर फॉर, ठीक है, फीवर फॉर 15 डेज, और नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे वॉमिटिंग फॉर द 7 डेज, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले लाइन में मेंशन करना है आपने फीवर जो कि 15 दिन से यानी पहले हुआ था, उसके बाद वॉमिटिंग जो कि 7 दिन से यानी उसके फीवर के बाद हुई है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेन कभी भी एक अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं हो सकती जब भी उसके अंदर ड्यूरेशन मेंशन ना हो। आपने फीवर लिख दिया, वॉमिटिंग लिख दिया, आगे आपको लिखना पड़ेगा 15 डेज और 7 डेज। तो ड्यूरेशन, ऑलवेज मेंशन द ड्यूरेशन इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जिसे हम कहते हैं HOPC। सिंपल इज दैट कि जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन ली है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अब आप उसको वन बाय वन उसको एलेबरेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, उन सब चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन देनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपने अच्छी से ले ली तो आप डायग्नोसिस तक इजीली पहुंच सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन डिफरेंट होती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। फीवर की होगी तो वो डिफरेंट होगी, पेन की होगी वो डिफरेंट होगी, वॉमिटिंग की होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पेन और वॉमिटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं कि उनकी हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ की जो हिस्ट्री होती है आपकी बुक्स में भी वो मेंशन है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, एलेबरेट एवरी प्रेजेंटिंग कंप्लेन इन द पेशेंट्स वर्ड्स। ये भी पेशेंट्स के वर्ड में आपको एलेबरेट करना है, और ये स्टार्ट कैसे करनी है आपने पेशेंट से पूछना है, जब आप बिल्कुल सही से हेल्दी थे उसके बाद ये बीमारी शुरू कैसे हुई,
क्या मसले प्रॉब्लम आई शुरू में, फिर ये बीमारी क्या चलता रहा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट से पूछना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और इन द पेशेंट्स वर्ड जो पेशेंट कह रहा है वही लिखना है आपने इसके अंदर, अपने से कुछ ऐड नहीं करना। अब इसमें फॉर सपोज पेन हो रहा है पेशेंट को, अब पेन में क्या क्या पूछना है, साइट ऑफ द पेन, पेन कहाँ पर है, अपर एब्डोमिन में, लोअर एब्डोमिन में, अपर राइट एब्डोमिन में, सेंट्रल एब्डोमिन में, कहाँ है, राइट अपर लिम में कहाँ पर पेन है, तो वो पर्टिकुलर साइट ऑफ द पेन आपको मेंशन करनी है। उसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम से पेन चल रहा है, ठीक है, 4 दिन से 5 दिन से, ठीक है, मेंशन करना है। उसके अलावा ड्यूरेशन के अंदर आपको ये भी मेंशन करना है, ऐसा तो नहीं होता कि पेन दिन में एक टाइम पर हो, फॉर सपोज किसी को पेन हो रहा है सिर्फ दोपहर में मुझे दर्द होता है, कोई पेशेंट कह रहा है उसके बाद दर्द नहीं होता, तो ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद मोड ऑफ द ऑनसेट, ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट दो हो सकते हैं, या तो ग्रेजुअल या फिर सडन। पेशेंट हेल्दी है, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है, और एकदम उसको पेन होने लग गया एब्डोमिन में, इसका मतलब क्या है, ये सडन ऑनसेट था पेन का, लेकिन पेन था पेशेंट को पहले भी हल्का हल्का पेन था, अब बढ़ गया है इस वजह से वो हॉस्पिटल आया, तो इसका मतलब वो ग्रेजुअल ऑनसेट था पेन का, पहले भी पेन होता रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद सीवियरिटी, पेन की क्या सीवियरिटी है, पेन अब सीवियरिटी क्या हो सकती है, हल्का पेन है, थोड़ा सा ज़्यादा पेन लग रहा है और बहुत ज़्यादा है पेन, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर। सीवियर पेन को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, पेशेंट से आप पूछो कि आपको नींद आ जाती है इस दर्द से, अगर वो कहते हैं नहीं आती नींद, इसका मतलब वो सीवियर पेन है जो उसे नींद सोने भी नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा, एक जगह पेन है वो रेडिएट करके दूसरी जगह तो नहीं जा रहा। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कॉलिसिस्टाइटिस का जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, यहाँ से वो रेडिएट होता है और बैक साइड के ऊपर भी फील होता है, तो ये आपने पूछना है पेन रेडिएट तो नहीं करता। उसके बाद क्या है, शिफ्टिंग, पेन शिफ्ट तो नहीं हो रहा, शिफ्ट क्या मतलब है, यहाँ पेन था और कहीं और भी आपको महसूस होने लग गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये हमारे पास अपेंडिसाइटिस के अंदर भी ऐसा होता है कि शुरू के अंदर आपको अम्बिलिकस में पेन फील होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पेन शिफ्ट हो जाता है इनटू द राइट इलियक फोसा के अंदर, तो शिफ्टिंग तो नहीं हो रही पेन की। उसके बाद आपको पूछना है रेफर्ड, पेन रेफर्ड तो नहीं है, पहले यहाँ पर था उसके बाद कहीं और होने लग, कहीं और भी वो पेन हो रहा है। फॉर सपोज कॉलिसिस्टाइटिस में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है, लेकिन ये टिप राइट शोल्डर की जो टिप होती है यहाँ पर भी पेन हो जाता है, तो ये रेफर्ड पेन कहते हैं, तो आपने ये पूछना है पेन रेफर तो नहीं हो रहा, ठीक है। आपने ऐसे नहीं पूछना पेन रेफर तो नहीं है, आपने पूछना है इसके अलावा यहाँ कहीं और जगह दर्द तो नहीं है, तो ये चीज़ें पूछनी है आपने। पीरियडिसिटी पेन की पूछनी है कि पेन हो रहा है फिर ख़त्म हो जाता है फिर हो जाता है, तो इस किस तरीके से पैटर्न क्या है पेन का, कंटिन्यूसली पेन हो रहा है आपको, तो ये चीज़ें भी आपने पूछनी है। उसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपका पेन कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स कहेंगे मैं रेस्ट करता हूँ तो पेन कम हो जाता है, कुछ कहेंगे मैं पेन किलर्स लेता हूँ तो पेन, सॉरी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मीन के वो पेन जो आपको तंग, मतलब पेन बढ़ता कैसे, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से पेन बढ़ रहा है, ठीक है। कॉलिसिस्टाइटिस में नॉर्मली पेशेंट कहेंगे मैं खाना खाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एग्रीवेटिंग फैक्टर ये होगा। रिलीविंग फैक्टर में ये आ जाएगा कि अगर मैं रेस्ट करता हूँ तो पेन चला जाता है, या फिर मैं पेन किलर्स ले रहा हूँ तो पेन चला जाएगा, तो ये आपको मेंशन करना है इन द एचओपीसी। उसके बाद करैक्टर ऑफ द पेन, पेन का करैक्टर आप ऐसे कह सकते हैं कि बर्निंग पेन है, जलन हो रही है, एचिंग पेन है, ठीक है, थ्रॉबिंग पेन है, या फिर स्टैबिंग पेन है जैसे कोई छुरी मार रहा है मुझे, या कंप्रेसिंग पेन है कुछ कंप्रेस हो रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर सिंपली पेशेंट कह देता है मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा सिंपल मुझे दर्द हो रहा है, तो आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स, पेन के साथ साथ कुछ और आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है, ठीक है, तो उन चीज़ों के भी आपने मेंशन करना है, पेन के अलावा तो कोई मसला नहीं हो रहा आपके साथ, तो वो एसोसिएटेड सिम्टम्स में आ जाएंगे। तो ये तो पेन की एचओपीसी हो गई, सिंपली हम वॉमिटिंग की भी एचओपीसी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लेंथी होती जा रही है काफ़ी। तो वॉमिटिंग में सिंपल आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार दिन में आ रही है आपको, 2 बार 3 बार, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है या नॉन प्रोजेक्टाइल है, यानी बिल्कुल एक प्रेशर से आती है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, वो तो नहीं है, या नॉर्मल आ रही है नॉन प्रोजेक्टाइल है। ड्यूरेशन कब कितने टाइम से आ रही है, और टाइम ऑफ द डे व्हेन वॉमिट, कुछ लोगों को होता है कि मुझे सुबह उल्टी हो जाती है उसके बाद नहीं होती, तो टाइम भी मेंशन करना है आपने। क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है, आप सपोज कर सकते हैं, आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अगर एक कप हो तो वो भर जाएगा, इस तरीके से आप क्वांटिटी पूछ सकते हैं पेशेंट से, ठीक है। स्मेल तो नहीं आती उल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा, टेस्ट कैसा होता है उल्टी का, जब पेशेंट को उल्टी होती है तो उसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और प्रसीडिड बाय एनी सिम्टम्स,
उल्टी से पहले कुछ चेंजेस तो नहीं आती बॉडी में, जैसे कि नौजिया हो गया या हेडेक वगैरह हो गया, ठीक है, कि हेडेक और नौजिया होता है उस पर उल्टी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता? या फिर डज इट फॉलो ईटिंग कि खाना खाते ही उल्टी होती है, ऐसा तो नहीं हो रहा? तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है इन द वॉमिटिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारी एच ओ पी सी कम्प्लीट हो जाती है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि एच ओ पी सी हम कैसे लेते हैं और डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं, एच ओ पी सी को क्या क्या सवाल हमने पूछने हैं। उसके बाद सिस्टमिक इंक्वायरी। अब आपने एच ओ पी सी ले लिया, आप डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी को हम इंक्वायर करते हैं कि क्या वहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और सिस्टमिक इंक्वायरी बेस्ड होती है एच ओ पी सी पे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अकॉर्डिंग हम सिस्टमिक इंक्वायरी करते हैं। अगर आप सिंपली बात करें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस में क्या पूछ सकते हैं हम? ब्लैकआउट्स, आँखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा जाता? हेडेक, सर में दर्द तो नहीं है? ट्रैमर्स तो नहीं होते, ठीक है, कपकपाहट तो नहीं होती? फिट्स तो नहीं हो रहे? वर्टाइगो, दुनिया आसपास घूमती हुई तो नज़र नहीं आ रही, चक्कर तो नहीं आ रहे? तो ये चीज़ें पूछनी है सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, ये जो हम ये जो पूछ रहे हैं सिस्टमिक इंक्वायरी में, ये कार्डिनल साइंस होते हैं उस सिस्टम के। अगर सी एन एस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं, ये इंडिकेट कर सकते हैं कि सी एन एस में कोई प्रॉब्लम है। तो हर सिस्टम के कार्डिनल इंपॉर्टेंट साइंस हम पूछते हैं हर पेशेंट से सिस्टमिक इंक्वायरी में। अब सी वी एस में क्या है? चेस्ट पेन तो नहीं है? पल्पिटेशंस क्या होती हैं कि जैसे पेशेंट कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, मेरी सांस दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, मुझे महसूस हो रही है धड़कन, इसे हम कहते हैं पल्पिटेशंस। उसके बाद डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रही? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, रात में तो ऐसा नहीं होता कि एकदम बैठ जाएँ और सांस ना आ रहा हो, तो ये चीज़ें पूछनी है। उसके बाद जी आई टी, नौजिया मतली सी तो नहीं हो रही है? उल्टी तो नहीं होती, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, ट्रैक्ट में हमें सिस्टम में पूछना है। डायरिया तो नहीं है मोशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? हार्ट बर्न तो नहीं है? जलन तो नहीं होती है गले में, ठीक है? एब्डोमिनल पेन तो नहीं है? रीगर्जिटेशन, खाया हुआ खाना दोबारा से मुंह में तो नहीं आ रहा? ये चीज़ें पूछनी है जीआईटी में। रेस्मो में क्या पूछना है? खांसी तो नहीं होती आपको? कफ, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन तो नहीं है, और हीमोप्टाइसिस, ठीक है, थूक के अंदर खून तो नहीं आ रहा, आपके लंग्स से खून तो नहीं आता खांसी करते हुए? ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में आपने पूछना है फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद बर्निंग मैचुरेशन, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन तो नहीं होती, जलन तो नहीं होती? और उसके बाद हीमाचूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा? और पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन तो नहीं हो गई, एक्सेसिव यूरिनेशन तो नहीं हो रही आपको? और जेनाइटल सिस्टम। अब जेनाइटल सिस्टम में फीमेल्स में हम नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ लेते हैं और प्रीवियस डिलीवरीज के बारे में, और मेल्स के अंदर इरेक्शन और इजैकुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में हम पूछते हैं कि कहीं पेन जॉइंट्स के अंदर पेन तो नहीं होता, या फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स तो नहीं है कि मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही जॉइंट्स में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री नॉर्मली क्या है? आपने पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट पहले कभी एडमिट तो नहीं हुआ? अगर पेशेंट पहले कभी एडमिट हुआ है तो किस डिजीज़ की वजह से, कौन सी बीमारी की वजह से, कहाँ पे एडमिट हुआ, उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, ठीक है, उसके बाद सही हो गए थे, ये चीज़ें मेडिकल हिस्ट्री में पूछने कि पहले बीमारियाँ क्या हुई थी और इलाज कैसे हुआ। सर्जिकल हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है कि पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आपको पता लग जाएंगी इसके अंदर। उसके ठीक है, पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री के बाद आपको पूछना है ड्रग्स हिस्ट्री। पेशेंट अभी कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, कोई दवाइयाँ बीमारी की तो नहीं ले रहा, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है कि ये दवाइयाँ पहले से पेशेंट ले रहा है, या घर पे उसने, या फिर जनरल फिजिशियंस ने उसको कोई दवाई तो नहीं दी है, तो वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, कुछ डिजीज़ होती हैं जो फैमिली में चल रही होती हैं, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज़ है, और भी बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री में कंजनाइटल डिजीज़ होती हैं जो कि फैमिली के अंदर ही चल रही होती हैं, ठीक है, थैलेसीमिया, बहुत सारी डिजीज़, तो उन्हें आपने फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है कि पेशेंट का, आप सपोज़ करो पेशेंट के पेरेंट्स के बारे में, पेशेंट के सिबलिंग्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, और पेशेंट्स के चाइल्ड बच्चों के बारे में अगर मैरिड है, और हस्बैंड के बारे में। आपको पूछना है कि उन्हें कोई बीमारियां तो नहीं हैं, अगर हैं तो उनको आपने मेंशन करना है डिटेल में। अगर इनमें से किसी की डेथ हो चुकी है तो डेथ की वजह क्या थी, कोई बीमारी की वजह से डेथ तो नहीं हुई है, तो वो सब चीज़ें आपको फैमिली हिस्ट्री में मेंशन करनी है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री,
और डाइट, डाइट हिस्ट्री काफ़ी लोग डाइट हिस्ट्री को अलग भी ले देते हैं और पर्सनल हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो पर्सनल हिस्ट्री क्या है? पर्सनल चीज़ें किसी भी पेशेंट की, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मतलब कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई छालिया तो नहीं खाते, कोई ऐसी सिगरेट तो नहीं पीते, तो ऐसी चीज़ें जो एडिक्ट होता है पेशेंट जिसका, उन चीज़ों को आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। डाइटरी हिस्ट्री में आपने मेंशन करना है कि पेशेंट खाता क्या है, अगर पेशेंट सिर्फ सब्जियां खाता है या ज़्यादा गोश्त खाता है तो ऐसी चीज़ों को आपने मेंशन करना है, या प्रॉपर डाइट नहीं है, दूध पी रहा है नहीं पी रहा, तो इंपॉर्टेंट बच्चों में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन चीज़ों को मेंशन करना है आपने। उसके बाद एलर्जिक हिस्ट्री आ जाती है, पेशेंट किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है, ठीक है, तो हमें पहले से पता लग जाएगा इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है हिस्ट्री की वजह से। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले कभी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो उसके अंदर कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई क्रॉस रिएक्शन तो नहीं हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप पूछ लेना चाहिए कि पहले कोई रिएक्शन तो नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। और उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। आप पेशेंट से पूछेंगे कि उसका घर उसका अपना है या रेंट पर तो नहीं रहता, घर में कितने रूम्स हैं, कितने लोग रहते हैं, जगह कैसी है घर में, तो इससे आप पर्सन के पेशेंट के जो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं कि पर्सन जो भी पेशेंट है उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसका सराउंडिंग कैसा है, वो पानी टैप वाटर तो नहीं पी रहा, तो बीमारियों की बात पता लग सकती है आपको और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी पता लग सकती है आपको, उस एरिया वो एरिया कैसा है, वहाँ साफ़ सफाई कैसी होती है, तो वो आपको सोशो इकोनॉमिक से पता लग जाएगी। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, अब ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में पहले हमने सिर्फ ऑक्यूपेशन पूछा था, अब आप ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में उसको एलेबरेट कर सकते हो कि ये काम करते थे, इससे पहले तो कोई और काम नहीं कर सकते थे, जैसे कि फॉर सपोज अगर पेशेंट को अस्थमा है तो इसका मतलब वो पहले कहीं कॉटन इंडस्ट्री में या फिर कहीं काम करता होगा, क्या पता वो काम करता हो, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री को। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द फीमेल्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आप फीमेल्स के अंदर आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल पीरियड्स हैं नहीं है, तो उसके अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है, उन क्वेश्चंस को भी हम पूछ सकते हैं इन द मैरिड फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जनरली मैरिड हो या ना हो तो जनरली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री भी लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने हिस्ट्री टेकिंग को तकरीबन डिस्कस कर लिया, तो